पहली तिमाही की जीडीपी -23.9%। मोदी जी आपका कोई विकल्प नहीं है। वाह मोदी जी, वाह। कल जीडीपी के आंकड़े आए हैं। भारत की किसी भी पीढ़ी ने ये आंकड़े नहीं देखे होंगे। 5 अगस्त को नए भारत के उदय के बाद इन आंकड़ों ने रंग में भंग डाल दिया है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी -23.9% पर आ गई है। सावधान हो जाएं, आर्थिक निर्णय सोच समझ कर लें। बल्कि अब यही ठीक रहेगा कि सुशांत सिंह राजपूत का ही कवरेज देखते रहिए। ये बर्बादी की ऐसी सतह है जहां से आप अब बेरोजगारी के प्रश्नों पर विचार कर कुछ नहीं हासिल कर सकते। इसका मतलब है कि पढ़ने वाला और लिखने वाला दोनों में से कोई नहीं बचेगा। साधु मरिए, जोगी मरिए, मरिए संत कबीर साधु। अर्थव्यवस्था के बारे में अभी तक झूठा बोला जा रहा है, जो है उसे नहीं बोला जा रहा है। जो होगा या जो नहीं होगा उसके बारे में अनर्गल बातें हो रही हैं कि आपके ज़िले में पेठा बनता है या पुड़िया बनती है, खाजा बनता है या खिलौना बनाता है, उसके निर्यात से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। कमाल है। कोरोना से लड़ाई का ऐलान हुआ, 64,500 से अधिक लोग मर चुके हैं। हम वो लड़ाई हार गए। देश को तमाम मुद्दों में भटकाया गया। अर्थव्यवस्था के इस हाल में नौजवान पीढ़ी और हम सभी किस हद तक बर्बाद होंगे कल्पना नहीं कर सकते हैं। बेशक मोदी जी बिहार चुनाव की जीत के बाद वाहवाही में लग जाएंगे, उन्हें ऐसी वाहवाहियां बहुत मिली हैं, मगर नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा यही निकल रहा है कि नौजवानों के पास नौकरी नहीं। जिनके पास नौकरी थी वो चली गई, जिनके पास है वो जाने वाली हैं। गोदी मीडिया लगाकर जनता को बेवकूफ बनाने का खेल बंद हो जाना चाहिए। अब ऐसे में गोदी मीडिया के लिए बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जीडीपी -23.9 की खबर को धूल मिट्टी में मिलाने के लिए क्या किया जाए? क्या कोई ऐसा एक्शन हो सकता है जैसे किसी की गिरफ्तारी हो जाए, कुछ घंटे तक एजेंसी के सिपाही दीवार फांदते रहें, फिर उसे पकड़कर यहां वहां ले जाया जाए ताकि विजुअल आता रहे, लाइव होता रहे, ताकि कई घंटे तक लाइव कवरेज होने से आज और कल का टाइम निकल जाए, जैसे चिदंबरम के समय हुआ था जिससे कुछ अभी तक नहीं निकला है। ऐसी किसी घटना उन्हें सुझा दें ताकि प्राइम टाइम कवरेज में ब्रेकिंग न्यूज़ की बाढ़ आ जाए। वैसे ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, टीवी वाले वैसे ही सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज में डूबे हुए हैं। वहाँ वैसे भी भारत के अर्थव्यवस्था के पतन की कहानी नहीं चलनी है। जो लोग तालाबंदी के समय ट्विटर पर बिग बॉस से थाली बजाने जैसा टास्क मांग रहे थे, उनकी मदद ली जाए। वो आगे आए और लोगों को टास्क दें ताकि अर्थव्यवस्था की बर्बादी की खबर को गायब किया जाए। वाह मोदी जी, वाह वाह।